Welcome to you and I with me Ekta Khurana only on Zinc. So let's see आज हम किसका DM पढ़ने वाले हैं। तो नायरा ने लिखा है, हाय एकता, रिसेंटली मैं एक लड़के से ऑनलाइन डेटिंग साइट पर मिली। ही केम अक्रॉस एज अ वेरी प्रोग्रेसिव गाय। उसके पॉलिटिकल एंड लाइफ व्यूज इन जनरल मुझसे काफी मैच हो रहे थे। उसने मेरे स्ट्रॉन्ग फेमिनिस्ट आइडियोलॉजीज को भी काफी सपोर्ट किया, जो कि बहुत रेयर है। बट जब मैं उस लड़के से रियल लाइफ में मिली, ही टर्न आउट टू बी द एग्जैक्ट ऑपोजिट टू व्हाट ही पोर्ट्रेड हिमसेल्फ ऑनलाइन। इनफैक्ट वो तो काफी कंजर्वेटिव निकला, जो लड़कियों पे कैजुअल जोक्स करने से पहले एक बार भी नहीं सोचता और उसे काफी नॉर्मलाइज भी करता है। I have obviously broken up with him, but इस incident ने मुझे काफी ज़्यादा sad बना दिया है। I have lost faith in online dating. Please help. Dear Naira, जो आपके साथ अभी हुआ है, उसको modern dating term में woke fishing कहते हैं। इसका मतलब होता है जब कोई इंसान pretend कर रहा होता है to be progressive to attract the potential partner. So this is what you can do to protect yourself from woke fishing people. Just words पे focus करने की जगह focus on their consistent actions and behaviors. आप ऐसा उनकी family, friends and work के बारे में भी पूछ कर कर सकते हो। And then notice करो कि वो उन settings में कैसे behave करता है। क्योंकि इंसान जैसे behave करता है ना, वो उसकी personality का true reflection होता है। Don't make quick assumptions about anyone. किसी भी इंसान को समझने के लिए अपना अच्छा खासा time लो, so that आप उनको deeper level पे समझ पाओ। And take your time before fully trusting anyone. Observe consistency, क्योंकि जो लोग woke fishing करते हैं, वो ज्यादातर inconsistent होते हैं। एंड लास्ट, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, क्योंकि कभी कभी जब हमें कोई इंसान बहुत पसंद होता है, तब हम उनके रेड फ्लैग्स को भी इग्नोर करने लग जाते हैं। तो नायरा, आपको इन डेटिंग एप्स को छोड़ने की जरूरत नहीं है, बस आपको इस इम्पोर्टेंट लेसन को समझने की जरूरत है। सो लेट्स मीट नेक्स्ट टाइम विद मोर फन, इंटरेस्टिंग एंड मॉडर्न डे स्टोरीज ऑफ यू फॉर यू ओनली ऑन यू एंड आई।